गांव के अंदर 24 घंटे लाइट मिल जाए, असंभव था। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेसी दो ही कान पकड़ के 10 बार बैठक उठक करे तो भी माफ नहीं हो, इतने पाप करे उनने हमारे बच्चों के लिए। अगर समय पे बिजली मिल जाती, समय पे सड़कें बनती, विकास का ये वातावरण होता तो हमारे कई परिवारों से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कितने लोग निकलते। ये सारा कलंक का ठीकरा अगर किसके माथे पे है, वो कांग्रेस पार्टी के माथे पे। मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं। अभी तो तुम्हारे लिए और परीक्षा की घड़ी है। तुम तो राम जी की जय जयकार भी नहीं करते हो, वहां जाते भी नहीं हो, आज भी नसिर नमन नहीं करते हो। अभी तो जमुना जी वाला कृष्ण कन्हैया बाकी है। बाकी है कि नहीं बाकी है? हमारी वो सारी घटनाएं मित्रों याद रखना, ये कंस का जमाने वाले, वो कंस को हमने नहीं देखा होगा, लेकिन कंस के जमाने वाले कांग्रेस वालों को याद रखना, ये कंस और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही लाइन के लोग हैं, एक ही भावना के लोग, जो अपने सदैव अच्छी बातों का विरोध करते, हमारी सनातन संस्कृति का विरोध करते। ये वो सारे काम करते जिससे देश में टूट पैदा हो, जिसमें फूट पैदा हो, आपस में लड़ाते रहेंगे। मुझे इस बात का गर्व है, कांग्रेस के 55 साल में कोई साल ऐसा नहीं जाता था जब दंगे नहीं होते थे हिंदू मुस्लिमों के, और अपनी सरकार में कभी दंगे होते ही नहीं, क्योंकि हमारी सरकार है, सबको लेकर चलने वाली सरकार। वो पगल का 2013 पिद्दीसा देश पाकिस्तान, जब तक जब आंख दिखाता था, जब तक जब आंख दिखाता था, अब करके देखे घर में घुस के मार के बताते, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भाजपा का वर्तमान का शासन तंत्र है।